हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्माकोलॉजी थर्ड। इसमें आज हम देखेंगे ड्रग्स यूज इन मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। ड्रग यूज इन सीओपीडी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ड्रग जो होती है सीओपीडी में जो यूज होती है, जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये इसमें जो होता है ये लंग जो होती है, लंग में डिजीज़ हो जाती है, तो इसमें जो सांस लेते हैं इसमें बहुत कठिनाई से सांस लेता है, तो ये दिक्कत करती है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रांकोडाइलेटर है, ब्रांकोडाइलेटर क्या होता है, ब्रांकोडाइलेटर जो ऐसी दवा होती है जो कि एयरवे को डायलेट कर देती है, और जिसमें ओपनिंग हो जाती है एयरवे की, और उसके बाद जो होती है जिससे ओपनिंग की वजह से और ये एयर जो है आराम से पास हो जाती है। जैसे इसमें बीटा एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट और एंटीकोलिनर्जिक दो एग्जांपल हैं। ये दो तरह के ड्रग हैं, जो बीटा एगोनिस्ट होता है वह एल्ब्यूटेराल है और फॉर्मोटेराल है। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा फॉर्मोटेराल, ये फॉर्मोटेराल है, तो फॉर्मोटेराल जो होता है ये बीटा एगोनिस्ट भी है और एंटीकोलिनर्जिक है। फॉर्मोटेराल जो होता है बीटा एगोनिस्ट होता है। बात करें एंटीकोलिनर्जिक की, तो एंटीकोलिनर्जिक्स में इप्राट्रोपियम है, इप्राट्रोपियम भी है। तो ये सब ब्रांकोडाइलेटर हैं। इनहेल स्टेराइड्स, ये कार्टिकोस्टेराइड्स भी होता है जो कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिससे एयरवे में जो होती है म्यूकस की और जो जितने भी वेस्ट मटेरियल हट जाते हैं, और जिससे O2 जो होता है ऑक्सीजन और CO2 आराम से पास हो जाता है। और ये जो होता है इसमें फ्लोटिकासोन और ब्यूटेसनाइड का कंपोजिशन होता है, कंबाइंड फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ब्यूटेसनाइड भी है और एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होता है इसमें भी ये वही काम करता है, जैसे इन्फ्लामेशन को कम करता है। और ये जो होता है बहुत स्पेसिफिक होता है पेशेंट के लिए, तो इसमें भी जो होते हैं एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स जब इन्फेक्शन होता है लंग्स में तब भी देते हैं, तो ये जो सीओपीडी में भी बहुत अच्छे काम करते हैं। ये एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन, ये निकालते हैं इसकी कैप्सूल।